So hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhishek and all of you guys are watching the Tech Traveler Blade. तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी एक बंदा अपना YouTube चैनल ओपन करने जा रहा होगा तो ये जो टिप्स है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप सभी को बात पता होगी कि आप अपना खुद का YouTube चैनल खोल तो सकते हो, वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उसके साथ अर्निंग करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं YouTube एक तो ओपन करते हैं एक तो अर्निंग करने के लिए, या फिर अपनी कुछ क्रिएटिविटी या फिर अपना कुछ एक पैशन होता है वो यूट्यूब के थ्रू बाकी सारे लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन अगर आपको अर्निंग करनी होगी तो आपको कुछ यूट्यूब ने टारगेट सेट करके दिए हैं, पहले तो आपको वो टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपको अर्निंग असल में हो जाती है। तो ये जो टारगेट्स है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिए, ये टारगेट आप सभी ने इसके ऊपर वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन मैंने अभी अभी खुद के 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, मैंने लगभग जो है अपना मोनेटाइजेशन भी ऑन किया है, तो मुझे पता है किन किन चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। और आप सभी को पता होगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स तो आपको लगते हैं, उसके साथ साथ 4000 वॉच आर्स आपको लगता है, 4000 वॉच आर्स बोल रहा हूँ मैं, आपको लगते हैं आपको मोनेटाइजेशन ऑन करना होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना ज़्यादा इजी है, लेकिन इतना इजी नहीं है टारगेट, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आपको 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करना और उसके साथ साथ 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करना। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा हिडन टैलेंट या फिर कुछ ऐसी बात होगी आपके वीडियो में जो दूसरे लोग देखने के बाद उसको सब्सक्राइब करेंगे, या फिर आपको अपना जो आप 10 मिनट का या फिर 5 मिनट का वीडियो बनाओगे तो वो सारा वीडियो कंप्लीट वीडियो देख के आपको वो टाइम गेन करके देंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आपको वो हर वीडियो इस तरीके से बनाना पड़ता है कि जो बाकी के लोग हैं जो यूट्यूब पे आपका वीडियो देखते हैं उनको वो वीडियो अपीलिंग लगे। तो इसके लिए जो है आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। पहले तो आपको अपना कंटेंट के बारे में सोचना होगा कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जैसे कि आप मेरे YouTube चैनल पे देखोगे, मैंने कोई भी वीडियो डिलीट नहीं किया। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ है जो खुद मुझे भी इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, जो आप देख सकते हो पुराने जो वीडियो है मेरे, बहुत ही इतने मतलब अच्छे नहीं है। कंटेंट अच्छा है, लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वीडियो किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से उसको क्रिएट किया जाता है, तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता था। लेकिन जैसे मैंने उसके बारे में सोचा या फिर उसके बारे में मैंने रिसर्च किया, तो मैंने कुछ चेंजेस किए वीडियो में, ग्रीन स्क्रीन लाई और जो लाइटिंग होती है वो सारी चीज़ें, कैमरा, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियरिटी लाई अपनी वीडियो में, तो उसके बाद जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है चैनल में। लगभग आप बोल सकते हो 4 मंथ में हमने लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, और आप सभी के दुआ से ये हमने जो है मोनेटाइजेशन भी ऑन कर लिया है। तो दोस्तों, ये जो 1000 एंड सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर होता है, ये सिंपल होता है, इतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपका कंटेंट उस तरीके से उस हिसाब से अगर लोगों को अच्छा नहीं लगा तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आपने वीडियोज़ अगर देखे मेरे पुराने वीडियो और अभी के जो रिसेंट वीडियोज़ है, अगर आपने उनको देखा तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा मैंने अपने वीडियो में एक ड्रास्टिक चेंज लाया, उसके बाद जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो आपको भी कुछ इस तरीके से काम करना होगा। आपको एक तो रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब चाहिए है, लोग उसके लिए YouTube के ऊपर सर्च करते हैं, और अगर आपका वीडियो सच में अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप सर्च कर जाओगे, और उसके साथ साथ जो है आपका वीडियो में, आपके वीडियो में बहुत सारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर भी ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगा। तो ज़्यादा मत टेंशन लीजिए, सिर्फ आपके खुद के कंटेंट के ऊपर काम करिए, आप खुद को जो है मोटिवेट रखें, और उसके साथ साथ जो है आप ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों, YouTube पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो है आपके पेशेंस। जितने ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे उतने ज़्यादा आप ग्रो कर पाओगे। कोई भी YouTube अगर आपने वीडियो डाला YouTube के ऊपर, तो आपको कभी भी स्टार्टिंग में
10,000 या फिर 20,000 या फिर 50,000 व्यूज नहीं मिल पाएंगे, आपको लगभग 30 से लेके 40 व्यूज मिल जाएंगे। अगर आपका वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, तो डेफिनेटली आपको अच्छे व्यूज आ जाएंगे। तो कभी भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि मुझे इतना ज़्यादा मिल जाएगा। तो खुद को एक मोटिवेट रखिए, अच्छे अच्छे कंटेंट डालते जाए, आपको अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। किसी का भी कुछ भी मत सुनिए, क्योंकि आपकी तरह मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि ये करो वो करो। अगर आपका सच में अच्छा कंटेंट होगा तो डेफिनेटली कोई भी होगा वो आपका वीडियो देखेगा और आपको सब्सक्राइब करेगा। सिर्फ आपको अच्छे टॉपिक पिक करने हैं और उसके साथ साथ आपके सब्सक्राइबर्स के लिए एक रेगुलर वीडियोस आपको अपलोड करना है। तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने लगभग एक महीने से हर दूसरे दिन वीडियो अपलोड किया है। तो उसके साथ साथ जो है मेरी यूट्यूब की वीडियोस की लाइब्रेरी जो है वो भी ज़्यादा बढ़ रही है। मैं सर्चेस में आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो इस तरीके से आपको अपनी सर्च जो है खुद बढ़ानी पड़ती है। अगर आपका वीडियो अच्छा होगा या फिर सर्च में होगा तभी आप ग्रो कर पाते हो। तो ध्यान में रखिए, वीडियो सिर्फ इस तरीके से चूज करिए या फिर बनाएं, आपके पास वो पावर होनी चाहिए, आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ग्रो कर पाए। आप जो बोलते हो वो लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं, आप सच बता रहे हो। बात एक होती है कि लोग भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो देखते हैं उनको भी पता है कि वो जो है बाकी सारे वीडियोस भी देख के आपके वीडियोस में आ रहे होते हैं। तो जो जीनियन है वो लोगों को दिखाए, कुछ गलत मत दिखाए। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात होती है कि मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ना यूट्यूब पे अगर आप कोई भी दूसरे का कंटेंट पिक करोगे तो उसके साथ साथ एक आपको कॉपीराइट आईडी भी उसके साथ आता है। अगर आपने किसी का दूसरे का कंटेंट उठाया तो आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर क्लेम आ सकता है। तो अगर आपको हर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गया आपके ऊपर तो आपका चैनल जो है डिलीट हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जो आपका खुद का होगा, आपके पास जो एबिलिटी है, आपके पास जो क्रिएटिविटी है, वो बाहर निकाल के आप अपना खुद का वीडियो बनाएं तो डेफिनेटली आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। और कंटिन्यूस इम्प्रूविंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट की है मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स आए, मुझे व्यूज़ भी मिले। मेरे जो वीडियोज़ हैं अभी लगभग 50 से लेके 60,000 तक भी जा चुके हैं। तो ये जो है मैंने लगभग सिर्फ 4 मंथ में ये सारा सब कुछ अचीव किया है। आप भी देख सकते हो, नीचे जाके आप सारे वीडियोज़ देखो। ये वीडियो जो है मैंने अलग वीडियो निकाला है, क्योंकि मैंने ऐसे कभी भी वीडियो नहीं बनाए। हमारे चैनल पे जो है वो अनबॉक्सिंग आता है या फिर रिव्यूज़ के वीडियो मैं डालता हूँ, लैपटॉप या फिर कैमरा या फिर जो टेक वाले लोग करते हैं वही मैं करता हूँ। लेकिन ये जो है वीडियो मैंने अलग से बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि किस तरीके से हमें जो है ये 4,000 वॉचर कंप्लीट करना है। क्योंकि इंस्टा पे मुझे DM आते हैं कि भैया आपने ये कैसे किया, क्या किया, मैं 2 साल से कर रहा हूँ लेकिन मेरे जो है 4,000 वॉचर कंप्लीट नहीं हुए। तो इसीलिए मैंने ये सिर्फ वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं आगे के वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो हमारा जो अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यूज़ के वीडियो होते हैं वही चलेंगे। तो अगर आपको और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे सच में बताइए, तो मैं जो है इसकी एक सीरीज़ बनाऊंगा और वो सीरीज़ जो है आपके लिए डालता जाऊंगा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होंगे, क्योंकि मैंने अभी भी रिसेंटली 1,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं। मुझे पता है मैं किन किन चीज़ों से गया हूँ, किस तरीके से आपको ग्रोथ करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती है, ये टैग्स वगैरह जो बोलते हैं ये सच में आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं या फिर नहीं। तो जो है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसके साथ जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज डाल सकते हो या फिर DM कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली दूंगा।
तो मिलते हैं अगली बार दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।